नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन की खास पेशकश खास मुलाकात में। आसमान को छूने की तमन्ना हम सब रखते हैं, लेकिन आसमान तक पहुंचने की जो प्रयास है वो बहुत कम लोग करते हैं। और जब ये प्रयासों में सफलता मिलती है तो आसमान ना सही, लेकिन आसमान के नजदीक तो हम पहुंच ही सकते हैं। तो ये आसमान के करीब पहुंचने का जो सफर है वो किस तरह से तय किया गया, किस तरह से वहां तक की बात हुई, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं माउंट एवरेस्ट और एक गिरियारोह जो कि नागपुर से है, आज हमारे स्टूडियो में है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सागर कुंभारे जी का हमारे स्टूडियो में, जो कि या गिरियारोहक है, अंतर्राष्ट्रीय गिरियारोहक है और नागपुर से है। इन्होंने कई सारे अपने तमगे हासिल किए हैं, वो एक गिरियारोहक होने के नाते उन्होंने कई सारे माउंट जो है उनको सर किया है। उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने ये अपना जो सफर है आसमान को छूने का, ये पर्वतों की ऊंचाइयों को छूने का किस तरह से तय किया है अब तक। सागर जी बताइए, आपका अब तक का जो सफर कैसा रहा है, हमारे दर्शक समझना चाहेंगे। नमस्ते, मैं अंतर्राष्ट्रीय गिरारोहक सागर कुंभारे। अभी तक मैंने माउंट पातालसू, माउंट ब्लैक पीक, माउंट यूनाम, माउंट किलिमंजारो ऐसे माउंटेन्स क्लाइंब किए। जी और ऐसे देखा जाए तो हमारे नागपुर में या फिर विदर्भ में भी बोल सकते हैं कि माउंटेनियरिंग ये फील्ड में बहुत कम लड़के हैं। मैक्सिम हमारे पास स्पोर्ट में क्रिकेट, फुटबॉल ये सब है, बट माउंटेनिंग ये ऐसी फील्ड है जिसमें हम स्टेमिना, हमारे मेंटल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। जी इसलिए मैंने सबसे डिफरेंस में ये माउंटेनिंग ये फील्ड चूज की। ये आप जो माउंटेनिंग को आप जो स्पोर्ट्स से कोरिलेट कर रहे हैं, तो क्या अपने देश में माउंटेनियरिंग को एक स्पोर्ट्स का दर्जा हासिल है? अभी तक तो नहीं है, पर ये भारत सरकार आगे चल के ये करने वाली है, क्योंकि माउंटेनिंग में अभी स्कोप बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मतलब लोगों का झुकाव जो है माउंटेनियरिंग की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यंग जनरेशन जो है कितना इसको एडमायर करती है? अभी है, देखा जाए तो मानसून चालू था हमारे यहाँ, ट्रैक्स पे मैक्सिमम लोग जाते हैं। 760 है जो महाराष्ट्र है, कर्सोबा जो हाईएस्ट पीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट वगैरह ट्रैकिंग पे जाते हैं। ये माउंटेनिंग ये भी एक ट्रैकिंग है, बट हम जो करते हैं वो एक -25 -30 डिग्री जब हम महाराष्ट्र मतलब में एक ट्रैकिंग विपरीत करते हैं। नैसर्गिक स्थितियों में आप वो जो माउंटेनियरिंग करते हैं, जो हम यहाँ की जो ट्रेकिंग की बात कर रहे हैं, जैसे आपने सेवन सिस्टर्स वगैरह का जो जिक्र किया, वहां तक तो मेरी भी पहुंच है, हम भी वहां तक जाके आए हैं, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा प्रयासों की जरूरत होती है। लेकिन आप उसको ट्रेकिंग कर रहे हैं तो, और हमने भी देखा है कि, लेकिन वो एक हमारा वन डे पिकनिक का ध्येय होता है, लेकिन आप जो माउंटेनियरिंग करते हैं इट्स अ प्रोफेशनल कुछ। मैं भी स्टार्टिंग में यही करता था, जैसे जी सेवन सिस्टर हिल, माउंट पातालसू, यहाँ से हमें एक हाई अल्टीट्यूड का प्रॉब्लम, ऑक्सीजन जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होती है, जी ये एक हमें वहां से एक एक्सपीरियंस आता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट, माउंट पातालसू ये पीक क्लाइंब नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग में जो हमारा महाराष्ट्र नॉमिनल पीक है वो ही क्लाइंब करना पड़ता है। आपने सबसे पहला जो माउंटेनियरिंग किया था वो कौन सा था? मेरा सबसे पहला माउंट था माउंट आबू था, 2017 में राजस्थान का। वो जी हमें 15 दिन का रॉक क्लाइंबिंग थी हमारा। हम्म, उसके बाद माउंट पातालसू क्लाइंब किया मैंने, जो लद्दाख में था, हिमाचल प्रदेश के 13,400 फीट पे। वो भी हमारा 7 डेज का ड्यूरेशन था टोटल समिट के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट हाई अल्टीट्यूड पे नहीं जा सकते, हमारी बॉडी एकोमोडेट होनी चाहिए। उसके लिए कैंप 1, बेस कैंप, कैंप 2, फिर समिट, फिर अगेन बेस कैंप, ऐसे हम डे वाइज प्रपोजल प्लान करते हैं। डिपेंड करता है वो माउंटेन्स के ऊपर, उसके अल्टीट्यूड क्या है, उसका वेदर कंडीशन क्या है उसके ऊपर। सागर जी सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है आपने सर किया है वो कौन सा है? मेरा अभी तक का सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट ब्लैक पीक है, जो उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पीक है। उसमें ऑल ओवर इंडिया के 5 गिरियारोहक थे, उसमें से महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव मैं अकेला था। जी अब यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद में आप जो जैसे कह रहे हैं कि वहां पर जो नैसर्गिक स्थितियां होती है, ऑक्सीजन की कमी होती होगी, ठंड बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा होती होगी, तो इसका पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है ये, और उसके बावजूद भी एक ट्रेनिंग होना और एक प्रैक्टिकल वहां पर पहुंचने के बाद में जो तकलीफें होना, उसको आपने कैसे टैकल किया? इसके लिए हम एक एडवांस कोर्स है, बेसिक कोर्स है माउंटेनिंग के, जो हमें क्वालिफाइड करना पड़ता है सभी को। जी एज अ हाई अल्टीट्यूड पे आप अपनी बॉडी सर्वे करते हो उसके लिए, क्योंकि बॉडी सर्वे करना हाई अल्टीट्यूड पे ये सबसे बड़ा रिस्क होता है किसी भी आदमी में, क्योंकि हम नागपुर में देखा जाए तो 45-50 डिग्री टेम्परेचर आता है, बट जी वहाँ पे -35 -40 डिग्री भी आता है, क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी है जो कि अकेले जो सर्व करते हैं वहाँ पे। तो मतलब ये दिक्कतें आती है अपने को? यस यस आती है, तो उसके लिए हमें एज अ फिजिकली एंड मेंटली फिट रहना पड़ता है। एज मैं एनसीसी कैडेट भी हूँ, हमारे डेली 9 to 10 किलोमीटर रनिंग वगैरह होती है, बाद में पुशअप, डिप्स वगैरह, पूरे एक फिजिकल मेंटेन रखना पड़ता है बॉडी को पूरे साल भर।
सागर जी, आने वाले समय में ये माउंटेनियरिंग के क्या एस्पेक्ट्स है, अगर हम नागपुर की बात करें या नागपुर की जनरेशन की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि इसका भविष्य कहाँ जा रहा है? एक्चुअली माउंटेनियरिंग में एक एडवेंचर आता है इसमें, तो हम देखा जाए तो महाराष्ट्र में या विदर्भ में माउंटेन्स बहुत कम है, ना के बराबर है जो कि, इसलिए अगर यही हम बराबरी में देखा जाए हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, नेपाल, तो इनकी जो करेंसी है, जो उनका इनकम सोर्स है, वो मैक्सिमम माउंटेन्स के ऊपर है उनके जी स्टेट गवर्नमेंट का, जो हमारे महाराष्ट्र में कम है। ये आगे चल के हमारे गवर्नमेंट में भी लाना चाहिए, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। 15 अगस्त 2023 में आपके कुछ प्लान हैं, आप माउंट यूनाम जो कि 20,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां पर आप क्या ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, क्या प्लान्स ये हैं? देखा जाए तो एक पूरा ऑल ओवर महाभारत की मुहिम है, हर शिखर तिरंगा, जैसे कि हमारे नागपुर में, महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा, ये भी जी मुहिम चलती आ रही है बहुत सालों से। ये हर शिखर मुहिम है जो कि जितने भी माउंटेन्स हैं वहां पे 15 अगस्त के दिन फ्लैग, नेशनल फ्लैग लगाया जाएगा, और उसके लिए हमारे महाराष्ट्र से 5 माउंटेनियर्स है, गिरे रोहक जो कि नागपुर से मैं अकेला हूँ, सागर कुंभारे, मुंबई से प्रवीण मांजरखेड़े, अमरावती से प्रवीण सेड़के सर, एंड चंद्रपुर से आदर्श मस्के, जैसे कि हम 5 गिरह लोग हैं जो महाराष्ट्र की टीम है। माउंट यूनाम 20,000 फीट पे हम सबमिट करने वाले हैं 15 अगस्त के दिन। ये हमने वेदर कंडीशन चेक करके हमने प्लान प्लान डिसाइड किया किया, है प्लान जो डिसाइड कि किया है, हमारा 5 दिन में पीक सबमिट हो जाएगा। तो वहां पर आप माउंट यूनाम में आप तिरंगा लहराने वाले हैं। यस जो पीढ़ी है आपको देख रही है, आज की यंग जनरेशन, उनको आप गिरियारोहण के सिलसिले में क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे, जो उत्सुक है कि हमें भी गिरियारोहक बनना है, उसके लिए क्या क्या उन्होंने तैयारियां करनी चाहिए? गिरारोहक बनने के लिए आपको एक मेंटली फिजिकली फिट रहना है, वो जो कि हमारे मैक्सिमम बच्चे हैं या पीढ़ी है जो मोबाइल में आ रही है आगे चल के, तो जी उनको एक मोबाइल कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल यूज मत करो, मैं भी यूज करता हूँ, बट मोबाइल के साथ साथ हमें हमारे फिजिकल की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माउंटेनिंग में सबसे मेन बात है स्टेमिना, क्योंकि हम जितना ज्यादा चल सकते हैं उतना एक अच्छा रहता है ट्रैकिंग में। ये बहुत सही बात कही आपने सागर जी, और जो कि यह पीढ़ी हमें देख रही है उनके लिए भी एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आज हमारे स्टूडियो में बैठा हुआ है। 15 अगस्त करीब है, जहां हम हर घर तिरंगा की बात करें तो हर शिखर तिरंगा लहराने का जज्बा लिए ये और इनकी टीम, सागर जी की टीम कुछ शिखरों पर जा रही है, हमको शुभकामनाएं देते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे तरह से बात की।